हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपके दिमाग में अगर मेकअप के रिलेटेड और भी कोई कंटेंट है तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू ब्लशर। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास लिक्विड ब्लशर है, क्रीमी ब्लशर या फिर पाउडरी ब्लशर है तो उसे किस तरह से अप्लाई किया जाए, तो उस बारे में हम पहले बात करेंगे। तो अगर आपके पास क्रीमी ब्लशर है तो उसे हमें सबसे पहले क्या करना है, फिंगर से डैब करके, ये मेरे पास है, इसे फिंगर से डैब करके हमारा ये जो पोर्शन है, जो चीक बोन है, इस चीक बोन से हमें सिर्फ दो फिंगर की दूरी पर हमें ब्लश करना होता है, राइट। ये आप देख लीजिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो लाइन है यहाँ पर आपको ब्लश करना है, राइट, इतना एरिया में आपको ब्लश करना है। बहुत लोग होते हैं जिन जो ब्लश यहाँ पर कर लेते हैं, कोई इधर कर लेता है, कोई इधर कर लेता है, मतलब ये प्रॉपर टेक्निक बहुत कम लोगों को पता होती है और आई होप मैं उसमें से एक हूँ। तो बेसिकली इसे हमें लगाकर हमें इसे स्प्रेड करना है। ये मैं आपको जस्ट नॉर्मली करके बता रहा हूँ, अगर आप मेकअप करेंगे, मेकअप के ऊपर अगर आप जब इसे अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस मैं नॉर्मल आपको करके बता रहा हूँ। इसे इस तरह से ब्लश करना है यहाँ पर, और ये जो लाइन होता है ये यहाँ पर कॉन्टोर किया जाता है, इतना लाइन जो होता है ये यहाँ पर कॉन्टोर किया जाता है और यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है, ये जो चीक बोन है यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। तो कभी भी जब आप ब्लश करते हैं तो सबसे पहले दो फिंगर का माप ले लें, अगर आपको अंदाज़ा नहीं मिला तो इस तरह से दो फिंगर का माप लें और ये जो फिंगर लास्ट जहाँ पर पड़ता है वहाँ पर हमें ब्लश करना है, राइट। तो ये इस तरह से ब्लश करना है, आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा, आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है। तो ये हम बात कर लिए क्रीमी ब्लश की। अब हम बात करेंगे कि अगर पाउडरी ब्लश है आपके पास तो उसे किस तरह से अप्लाई करें, राइट। और जो पाउडरी ब्लश है मेरे पास ये वाला है नॉर्मल यूज़ करने के लिए, तो इसे जब हम यूज़ करते हैं तो इसे यूज़ करने करते वक्त हमें ब्रश में अच्छी तरह से इसे लगाना है एंड देन ये जो पोर्शन है इसी एरिया में हमें सिर्फ ब्लश करना है नॉर्मल। लोगों की बातों में ना आए कि अरे ये ब्लश यहाँ नहीं किया जाता है, वहाँ किया जाता है, ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ये जेन्युइनली मतलब रियल टेक्निक है कि किस तरह से ब्लश किया जाता है और कितना किया जाए ब्लश। जब स्माइल करने पर ये पोर्शन दिखना चाहिए, या फिर अगर हाँ, और ये भी टेक्निक है कि अगर आप ऐसे नहीं नॉर्मली कर पा रहे हैं तो आपको सिर्फ स्माइल करना है, फ्री वाला स्माइल इस तरह से, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर कितना डिफरेंस है। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, हमें बहुत नेचुरल लुक रखना होता है कभी भी जब आप मेकअप करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए कि कोई भी कितना भी हैवी कर ले, लेकिन हमें अच्छा दिखना है तो उसके लिए हमें हैवी मेकअप करना ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जितना नेचुरल रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो जितना नेचुरल रहे उतना ज़्यादा बेस्ट होता है वो। तो ये इस तरह से ब्लश है, इस तरह से इसे अप्लाई करना है। इतना ध्यान रखिए बस यहाँ पर टू फिंगर, ये तो जॉ कटिंग के लिए चला जाता है, और यहाँ पर टू फिंगर, तो बीच में जो टू फिंगर्स बचते हैं वहाँ पर आपको ब्लश करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो और उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्निक अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू सो मच।